एक बहुत पुरानी बात है, जंगल के पक्षियों पर एक हॉर्नबिल का राज था। उसने बिना किसी के बनाए ही खुद को उनका राजा घोषित किया हुआ था। वो एक बेरहम और कपटी शासक था। वो गुस्सैल था, उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था। बेकसूर पक्षी बिना वजह उसके गुस्से का शिकार होते थे। पक्षी उसे नहीं चाहते थे और एक नया राजा चुनना चाहते थे। एक दिन उन्होंने सभी पक्षियों की एक गुप्त सभा बुलाई। इसके लिए पक्षियों ने ऐसा पेड़ चुना जो जंगल से बहुत दूर था। वो नहीं चाहते थे कि हॉर्नबिल को कुछ पता चले। वो सभा अपने लिए एक नया राजा चुनने के लिए बुलाई गई थी। कई नाम सुझाए गए और आखिर में बुलबुल को राजा चुन लिया गया। सभी पक्षी बुलबुल को अपना राजा बनाने के लिए तैयार थे, क्योंकि वो दयालु और उसकी बोली में मिठास थी। बुलबुल राजा बनने को तैयार हो गए, लेकिन अब भी एक मुश्किल थी। हॉर्नबिल को कैसे बताएं कि उसे गद्दी से हटा दिया गया है? जो भी उसे बताने जाएगा वो उसे मार देगा। इसकी चिंता मत करो, मेरे पास एक तरकीब है और इसे कामयाब बनाने के लिए मुझे मेरे दोस्त वुडपेकर की मदद लेनी होगी। अगर सबको भरोसा है मुझ पर तो काम शुरू करें। सभी पक्षियों ने उसकी इस पेशकश पर हामी भर दी। वुडपेकर उसकी मदद के लिए तैयार हो गया। अब उल्लू वुडपेकर को एक पेड़ पर ले गया। यहाँ छुप कर बैठना और इसे काटते रहना, तब तक काटना जब तक इसकी हालत ऐसी हो जाए कि एक चोंच में गिर जाए। वुडपेकर को ये काम देकर वो हॉर्नबिल की तरफ उड़ चला। उधर हॉर्नबिल इस सोच में डूबा था कि ये सारे पक्षी आखिर कहाँ चले गए। उल्लू को देखकर वो बोला, आज सारे पक्षी कहाँ चले गए? हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं। मेरे महाराज, सभी का मानना है कि आपको अपनी ताकत साबित करनी चाहिए। इसके लिए हमने डाल तोड़ प्रतियोगिता रखी है। अगर आप डाल तोड़ने में कामयाब हो गए तो हमें आपकी ताकत पता चल जाएगी। लेकिन अगर आप कामयाब नहीं हुए और आपकी जगह और कोई चिड़िया जीत गई तो उसे हम राजा मान लेंगे। हॉर्नबिल को अपनी ताकत पर घमंड था। उसने कहा, आज तुम हमारी ताकत देखोगे। मुझे उस जगह ले चलो, मैं दिखाऊंगा कि डाल कैसे तोड़ी जाती है। जैसा आप कहें। उल्लू उसे उस पेड़ की तरफ ले चला जहां उसने वुडपेकर को छुपने को कहा था। जंगल के बाकी सभी पक्षी भी वहां मौजूद थे। उल्लू ने पेड़ की एक मजबूत डाल चुनी और हॉर्नबिल से कहा, मेरे महाराज, आप तोड़ेंगे इस डाल को। हॉर्नबिल को अपने कामयाब होने पर पूरा भरोसा था। उसने फौरन ही डाल पर चोंच मारनी शुरू कर दी। वो बहुत देर तक कोशिश करता रहा, लेकिन डाल का एक हिस्सा भी तोड़ ना पाया। जल्दी ही वो थक गया। उल्लू ने कहा, महाराज माफ कीजिए, आपको दिया हुआ समय पूरा हुआ, आप डाल नहीं तोड़ पाए। अगला नंबर बुलबुल का है, अगर उसने आपको हरा दिया तो वो आपकी जगह ले लेगी। जब हम नहीं तोड़ पाए तो भला वो नाजुक बुलबुल कैसे तोड़ेगी। उल्लू बुलबुल को उस डाल पर ले गया जिसे वुडपेकर ने पहले से ही काटा हुआ था। बस चोंच की एक चोट से वो टूट जाती। बुलबुल को बस दो बार चोंच मारनी पड़ी और डाल टूट कर जमीन पर गिर पड़ी। सारे पक्षी खुशी से चहचहाने लगे, बुलबुल को शाबाशी दी और उसे अपना राजा घोषित कर दिया। इस पर हॉर्नबिल इतना शर्मिंदा हुआ कि वो उड़कर जंगल से दूर चला गया और फिर कभी लौट कर नहीं आया। सीधी सादी और दयालु बुलबुल ने राजा चुने जाने पर सभी पक्षियों का शुक्रिया अदा किया, खास तौर पर उल्लू और वुडपेकर का। बुलबुल ने पक्षियों पर ईमानदारी से राज किया
और बाकी पक्षी भी ऐसा राजा पाकर खुश थे। प्यारे दोस्तों, समझे गलती कहाँ पर थी? अपने पर घमंड कभी मत करो। घमंड करोगे तो कोई नहीं चाहेगा और फिर सब तुमसे दूर चले जाएंगे। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी है, घमंड नीचा दिखाता है। Come on, little bunnies. Give thumbs up for the video, share with your friends, and subscribe to our channel for more awesome videos.